कुछ लोग इसे आसान बना देते हैं, लेकिन किचन में काम करने में काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो ये शानदार किचन हैक्स और कुकिंग ट्रिक्स देखें। पॉपकॉर्न के बिना कैसी मूवी नाइट, और ये वाला मेरा फेवरेट है। ओ, मुझे तो पहले इसे पॉप करना होगा। यहाँ कहीं रेडीमेड भी तो पड़े थे। हाँ है। रुको, ये भी रेडी नहीं है। अब मैं क्या करूं? एक और बॉक्स। ये इतना ऊपर किसने रख दिया? नहीं, मेरे ऊपर स्केटल्स आ गए। ओ नहीं, वो हर तरफ गिर रहे हैं। बहुत गंद मच गया। नहीं, पैन में नहीं। ये स्केटल्स का तूफान रुको। लगता है रुक ही गया। गाह! ये तो हर जगह फैल गए। वहां नहीं जाने चाहिए थे। मूवी नाइट पोस्टपोन करनी होगी। फ्राइडे नाइट को किचन साफ करना बहुत बकवास है। कुछ खा ही लेती हूँ। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। इन पॉपकॉर्न में कुछ कलर डाला जाए। हम इसे पैन में ही पॉप करेंगे, पर उसमें स्किटल्स भी होंगे। ये हो रहा है और खुशबू भी अच्छी आ रही है और उनमें भी रंग आ गया। मैं पहले रेड वाला ट्राई करूंगी। इसका स्वाद स्केटल जैसा है, जानने का एक ही तरीका है। मूवी नाइट दोबारा शुरू हो चुकी है। कुकिंग करते हुए खो जाना बहुत आम बात है। ओ हाँ, मैं बेक कर रही हूँ, पर ध्यान भटक जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, खासकर जब आप मिक्सिंग कर रहे हो। ये बहुत तेज है। जब तक ये मिक्स हो रहा है, मैं इंस्टा चेक कर लेती हूँ। वो एंजल्स भी खो लीजिए। सबके सब बचाओ अपने आप को। तुम्हें बोल पर ध्यान देना चाहिए था। ओ, सीधा चेहरे पर। पर सिर्फ चेहरे पर ही केक का बैटर लगना लिजी के लिए अभी छोटी बात है। ओह, बुरा हुआ। हे लिजी, मैं घर आ गई। तुम बिल्कुल सरप्राइज के टाइम पर आई हो। हाँ, तुम्हारी और तुम्हारे केक की कोई लड़ाई हुई थी? ये सब कैसे हो सकता है? जाओ नहा कर आओ, ठीक है? मैंने उसे एक छोटा सा काम दिया था। मैं तो भूल ही गई, पर आज यही काम आने वाले हैं। पेपर प्लेट से हम ऐसी चीजें होने से बचा सकते हैं। एक प्लेट से दो टी शेप क्रॉसेस बनाएं, इसे अच्छे से पियर्स कर दें। अब मिक्सर्स लें और उन्हें इन स्लॉट्स में लगा दें। जब ये अपनी जगह पर लॉक हो जाए, इन्हें मिक्सर में लगाएं। और इसी तरह आप स्प्लैश जोन से बच चुके हैं। कितना बढ़िया है ना? हे भगवान, तुमने कर दिया। ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब से तुम ही बेकिंग क्यों नहीं कर लेती? हाँ, इनका स्वाद भी इनके खुशबू जितना अच्छा है। ये क्या हफ्ता था। हमें आज रात पिज्जा खाना चाहिए और एकदम बड़ा वाला। इसके ऊपर मेल्टेड चीज तो देखो। मैं इंतजार नहीं कर सकती, चलो खाए। इन्होंने इसे अच्छे से नहीं काटा। गाह! मुझे एक स्लाइस चाहिए। ये बहुत बकवास है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं अब इसे ऐसे ही खा जाऊंगी। चीजें अपने हाथों में लेने का समय आ गया है। हे, ब्लेड नहीं कर पाएगा। ये तो बिल्कुल भी तेज नहीं है। तो फिर खींचना ही होगा। मेरा पिज्जा। ओह यार,
मैं इसके ऊपर केबल नहीं डालना चाहती थी, ये बहुत गंदा है, पर थोड़ा क्रंच तो बाकी है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। एक सेकंड रुको, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? टूना का एक कैन ली और ढक्कन हटा दी। अब एक इलेक्ट्रिक ग्रिल से बीच में एक छेद करें। एक मेटल रूलर ले, इसके होल के साथ रखें और एक मेटल स्क्रू से इसे सिक्योर कर दें। अपने हाथों से इसे घुमाएं जब तक ये अच्छे से टाइट ना हो जाए। एक नट ले और इसे स्क्रू पर लगाएं। बढ़िया, अब आगे क्या करें? आपने अपने लिए एक पिज्जा कटर बना लिया। अब अच्छे से स्लाइसिंग होगी। जो वो खुद करते हैं उससे भी बेहतर। जल्द ये ठंडा हो रहा है, खुशबू बहुत अच्छी है। इंतजार करने से फायदा हुआ। हाँ बिल्कुल, स्लाइस इंजीनियर्स ने ये कर दिखाया। चलो थोड़ा राइट हो जाओ, अब तुम गई लेस। नहीं, हाँ और हो गया, मेरा भी हो गया। यहाँ एक बाकी है, कोई एक ही जीत सकता है। लड़ाई शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, खैर पहले कौन लेगा, हम अभी ही देख लेते हैं। चलो भी छोड़ो इसे, मैंने पहले कैंडी देखी थी, मुझे दो। तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा, वो भी हो जाएगा। अरे वाह, मैं जीत गई। ये बहुत गलत है, मुझे मिल गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, कितनी बकवास सैटरडे नाइट है। काश मैं कुछ कर पाती। वैसे मैं कर सकती हूँ, बस मुझे थोड़ी कुकिंग करनी होगी। चलो शुरू करें। एक बॉल में लेमन लाइम सोडा डालें। अब इसमें फूड कलरिंग डालें। इसे मिलाएं ताकि ये ब्लेंड हो जाए। हाँ, एकदम अच्छे से घुमाएं। बढ़िया, अब हम जेलेटिन डालेंगे। जब ये सारी डल जाए तो इसे मिलाएं ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए। जब ये थोड़ी ऐसे दिखे तो इसे फ्रिज में रखिए। एक आइस क्यूब ट्रे ले और हर स्पॉट में मिक्सचर डालिए। हो गया, ढक्कन लगाएं और बाकी इंजेक्ट कर ले ताकि ये पूरी बॉल भर जाए। हाँ अच्छे से। थोड़ी देर फ्रिज में रहकर ये ऐसे दिखेंगी। अगला स्टेप है इन्हें स्टिक्स पर लगाना। ये बन गई छोटी जेल लॉलीपॉप। चलो भी, अब लिजी इन्हें देखेगी। जो तुमने छीनी हुई चीज खाकर मजा आ रहा है, मैंने अपने लिए खुद ही बना ली। ओह, ये तो खत्म होने वाली है। नहीं, वो बहुत बॉसी है। लॉलीपॉप टाइम। ये अच्छी लग रही है ना, स्वाद और अच्छा है। मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, शो ऑफ करती है। आप किचन में कोई जादू कर सकते हैं? इनमें से कोई हैक ट्राई करें और बताएं कैसा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी ये किचन सीक्रेट्स बताएं। आपने ये देखे, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी यमी सरप्राइज मिस ना करें।